जी आप स्टार्ट करें। या फिर हम रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, ठीक जी सुनाई नहीं दे है? हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या? रिकॉर्ड हम कर लेंगे करंट आवर। ठीक है जी, आप कंटिन्यू करें, आप बता रहे थे अगर आपको। हाँ, तो वही जमाने जाहिलियत के सिलसिले में ये एक खुशियत है। दूसरा सबसे बड़ी जो खुशियत है, यह सवाल आ सकता है कि उस जमाने में वहादानियत यानी मौजू की वहादानियत नहीं थी, एक ही मौजू पे वो अशार शेर नहीं कहते थे। जैसे हसन जैद का एक इराब है कि वो मिन सम कानत वहदत नकदी इन वदबाइल अरब अलबैत वल कसीदा। वहां जो नकद करते थे जाहिली शेर में, जो भी जैसे कि वो क्या कहते हैं, एक शायर नहीं था जो तनकीद करते थे, अरे बहुत मशहूर है, तो वो तनकीद करते थे बैत पर, एक शेर पर, कसीदा के एक बैत पर, पूरे कसीदे पर वो तनकीद नहीं करते थे। इसीलिए जब वो आशा का शेर सुना नाबेगा, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये शेर सबसे अच्छा है, उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये कसीदा सबसे अच्छा। तो वहां शेर और बैत पर तनकीद होता था, ना कि पूरे कसीदे पर वो तनकीद करते थे। तो ये दूसरा एक यूनिक पॉइंट है जो जमाने जाहिलियत में होता था। और इस्लामिक पीरियड में ये शेर का जो रवानगी था थोड़ा कमजोर हुआ, क्योंकि कुछ इस्लामिक चीजें में बाउंडेशन है, इसके उसकी वजह से उनका ये शेर के डेवलपमेंट में ये बताया जाता है कि थोड़ा कमजोर पड़ गया। जैसे उदाहरण उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हो असमाई का वो कॉल है जिन्होंने अपनी किताब में उन्होंने बयान किया, हसन के सिलसिले में बहुत मशहूर है कि हसन का जो शेर था वो जब जिस वक्त गस्साना और मंजर के वहां जाके, मंजर बादशाह के वहां जाके हीरा में जब उन्होंने शेर कहा था, तो वो बहुत ज्यादा मशहूर है। और दूसरा ये कि उस वक्त उस जमाने के बहुत ऊंचे शायर माने जाते थे, उनके तशबी व तमसील तखयुला तदबुरा तफक्कुरा बहुत आला किस्म का होता था। लेकिन इस्लामिक पीरियड में चूंकि एक मलहूज खातिर आपको कहना पड़ता है, तो इसकी वजह से उनके शेर में थोड़ी सी ज़ौफ मिलता है, यानी कमजोरी आ गई। फिर आप जब आएंगे यानी इसके एक इस्लामिक पीरियड में नया जो डेवलपमेंट आया वो शेर नकीज, यानी जो यही तीन तीन शायर हैं जमाने के, जो टीला कहा जाता है इनको, कि फरजदक जरीर और अख्तल। तो अख्तल तो ये हुआ कि वो मदा में मशहूर हुआ, गरचे उन्होंने भी शेरे हिजा कहा, लेकिन हिजा का जो पहलू है वो सबसे ज्यादा जो मशहूर रहा वो हिजा के इसमें जरी के। हाँ, और फरजदक जो है, फरजदक वो फख्र में ज्यादा शेर का, लेकिन हजू में भी काफी काफी उनके अशार है। लेकिन मशहूर क्यों, मशहूर होने का कारण फख्र में ये है, चूंकि ये शख्स जो है इनके पास एक बनो तमीम से जो आता था, और इनका जो नस्ल था पहले वो सरदार वगैरह से आते थे, तो इसकी वजह से इनका ये रहा कि वो हमेशा फख्र करता रहा और हजरत अली के सपोर्टर रहे। सबसे ज्यादा तो ये है कि ये शिया में से है और हजरत अली को हमेशा, हजरत अली और उनके गुरु को हमेशा सपोर्ट करते रहे, तो उन पर वो काफी उन्होंने अशार कहा और उस पर फख्री अंदाज बयान किया। जबकि जरीर के अंदर ऐसा इतना खानदान अच्छा नहीं था, और अपने खानदान पर जो फख्र करने का रवाज था, रस्म रवाज या सिस्टम था, तो उस वक्त तो हो नहीं पाया। और अख्तल के पास भी वही हालत थी, क्योंकि वो दूसरे यहूदी दीन से आया हुआ था ना, तो वो कभी फख्र कर सकता नहीं था। तो वो फिर दूसरे अब्दुल मलिक की मदा, फिर उसके बाद बादशाहों की मदा, दरबारी शायर, शायरुल बल्लाद कहा जा सकता है उसको, कि वो अब्दुल मलिक के दरबार में अपनी जिंदगी गुजारा। फिर अब्दुल अजीज उसके बाद आए तो उनको हटाया, जरीर को वो मकाम मिल गया। तो ये सारी चीजें हैं। और अब्बासी पीरियड में तो कई यूनिक चीजें हुई कि वो बाउंडेशन खत्म हो गया जो दोनों जमाने में, या दोनों जमाने में था, इस्लामिक पीरियड में
और जाहिली पीरियड में। वो बाउंडेशन क्या, बाउंडेशन ये है कि वो लोग हमेशा एक ही चीज पर शेयर करते थे, हबीबा के नाम पे, महबूबा के नाम पे, हबीब के नाम पे, इस तरह की अशार करते थे। ज्यादा से ज्यादा मदा हो गया, रसा हो गया, ये सारी चीजें थी। यहाँ बहुत ज्यादा ज्यादा हो गया, जैसे कभी ये बिल्डिंग पे अशार करने लगी। उसके बाद वस्फ का जो है, वस्फ का जो एक ख्याल था कि किसी हबीबा के नाम पे बयान की रात, ये सारी सिफात है, ये चीजें इसमें नहीं रहा और बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे काम करने लगा। और दूसरा है कि तालीमी अशार का जो है ना वजूद इस जमाने में आया है, यानी अब्बासी पीरियड में। आई थिंक इतना काफी है। हेलो एनीवन? जी जी हाँ, तो अब्बासी पीरियड में थोड़ा बिल्डिंग पे अशार होने लगे, हमेशा लड़कियों के सिलसिले में शेर कहने के बजाय लड़के के सिलसिले में शेर कहने लगे। तो इस तरह की चीजें ये सामने आई अब्बासी पीरियड में। शेर के जो डेवलपमेंट है आप उसको पढ़ लीजिए एक बार, तो उसमें बहुत सारे तरात में क्या डेवलपमेंट हुआ। लगभग 1798 के बाद जो डेवलपमेंट हुआ, ये थोड़ा अलग फीट चलेगा, उसका पैटर्न बहुत ज्यादा है। जी आप थोड़ा सा बता दें कि कौन सी किताब में इसको पसंदीदा में तो, आपकी अगर अरबी ज्यादा अच्छी है तो आप शौकी साहब को मुताला करें, ज्यादातर क्वेश्चंस उधर से आते हैं, दो तीन किताब से। आप हसन जायद में है, लेकिन इतना बारीकी से दिया है। आप देखेंगे अब्बासी पीरियड के शुरू करने से पहले उन्हें एक डेवलपमेंट दिया शेर के सिलसिले में। दूसरा आपको मिल जाएगा हसन जायद के शुरू वाली किताब में जो है जाहिलियत के, यही ये क्वेश्चन तो हसन जायद ही से है, आपको मिल जाएगा मुमय्यिज़ात व शेर जाहिली के अंदर। अगर गौर से पढ़ेंगे, ज्यादा लाइन नहीं है, 10-12 लाइन है होगी, लेकिन ये है कि इबारत इतनी बारीक है, हर लाइन में अलग अलग मफहूम मिल जाएगा आपको, गौर से पढ़ना पड़ेगा। शौकी साहब से पढ़ सकते हैं या हन्ना फाकूर से आप पढ़ सकते हैं। हसन जायद में यह है कि थोड़ा उसका इबारत पेचीदगी है, तो आपको बड़े दिल से पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आप लोग कुछ ऐड करेंगे? हाँ, कोई करे। अगर नहीं है नसरीन? जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, चलो आप ही पढ़ दे। नहीं पढ़िए ना, मैं पढ़ूं? जी पढ़िए। ذهبت قريش بالمفاخر كلها واللؤم تحت عمائم الأنصار. هذا البيت قائله الفرزدق الأقتل جرير جميل بن معمر. کوئی کچھ بتائے پھر میں اس پر کچھ بتاتا ہوں. میننگ بتا دوں کیا؟ ज़हबत कुरैश यानी कुरैश जो है, तमाम उनकी जो फख्र है, एक चीज देख लीजिए, बाकी वजह से ना, यानी सिला, हम लोग जो कहते हैं कि सिला की क्या अहमियत है, अरबी में सिला की काफी अहमियत है, मीनिंग हमेशा बदल जाता है। ज़हबत का मतलब होता है जाना, लेकिन जब बासिला है, ये रूल है उसका कि जब बासिला है तो वो लाजिम से मुतादी बन जाता है। तो कुरैश जो तमाम फख्र की बातें करते हैं दोस्तों में, वो खत्म हो गई। ज़हबत वल्लौम तहता अमाइमिल अंसारी, कमीनापन जो है, लईम, लईम कहते हैं कि आप मॉडर्न फिल्म अगर देखेंगे, मिस्र के जो फिल्म है उसमें बहुत ज्यादा है, जो गुंडे वगैरह जो बोलते हैं तो हाजा लईम, हाजा लईम अदीम, तो कहते हैं कि कमीनापन जो है अंसार के पगड़ियों में के नीचे है। पगड़ी अमाइम जमा है, जिसका मतलब टर्बन कहते हैं, टर्बन जो सर पे पहनते हैं ना बहुत सारे लोग, पगड़ी, पगड़ी कहते हैं उर्दू में, तो वो है टोपियों के नीचे। हेलो, आज घुट्टी में भी कह सकते हैं, कमीनापन अंसार की घुट्टी में है। हाँ, वो सही है।
तो इस तरह के उस वक्त का उन्होंने हजू किया। अब कोई बताए कि इस पर एक वाकया हुआ था जिसकी वजह से यह अशार कहा गया था, तो वो कोई बताए। हेलो जी जी, आप सब लोग भी पार्टिसिपेट करें। ये वाकया वही होता ना कि यजीद बिन मुआविया ने जो बुलाया था अंसार की जो करने के लिए। हाँ हाँ सही है, बोलिए बोलिए, वही है। हाँ यजीद, ये एक शख्स थे काब बिन जुआइल करके। हाँ हाँ, उनसे कहा गया था कि जाइए आप अंसार की हिजो कीजिए अपने शहर के अंदर। तो वो डरे और डरने के बाद, मतलब वो डर के उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने कहा क्यों कि मैं आपके ऐसे शख्स के ऊपर रहनुमाई कर रहा हूँ जो वो ज्यादा अच्छे हिजा करेंगे और डरेंगे भी नहीं। तो उन्होंने फिर अख्तल की तरफ उनकी रहनुमाई की थी कि आप इनको बुलाए और ये इनकी कुरैश की हिजा करेंगे, सॉरी अंसार की हिजा करेंगे। तो फिर इनको बुलाया गया था और इन्होंने यजीद बिन मुआविया के हुक्म से ये अशार कहे थे। हाँ ये यही है वाकया, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा करता हूँ इस पर। वाकया ये हुआ था ना कि हसन बिन साबित का एक लड़का था, आपको मालूम होगा वो हसन का लड़का, हसन अल्लाह तआला अन्हु के जो लड़के थे वो भी शायद थे, उसका नाम अब्दुल रहमान था शायद। तो वो उस वक्त क्या हुआ था कि उन्होंने यजीद की जो बहन यानी मुआविया की बेटी थी उनके मदा में या तशबीब में कुछ अशआर कह दिए थे। ठीक, अब उनको काफी गुस्सा आ गया कि हिजा की थी उन्होंने, मतलब उन्होंने हिजा की थी, अब्दुल रहमान बिन हसन ने हिजा की थी इनकी यजीद बिन मुआविया की बहन के बारे में, बहन की यानी बनू उमैया नहीं की थी शायद, तशबीब था ना, तशबीब कहते हैं। हेलो, हाँ जी शायद तशबीब किए थे वो, यानी हाँ हाँ, क्योंकि हसन शायद में ये वाकया है उसमें अख्तल के बायोग्राफ में, शायद आप देखेंगे तो मिल जाएगा कि उसमें ये है कि अब्दुल रहमान बिन हसन ने ले उक्त ही फी अशार ही अपने बहन का जिक्र किया, उसमें ये नहीं किया है कि तस्बीब किया था या हुजू किया था, जो भी हो है उनके शेर कहने की वजह से वो भड़क गए। और उन्होंने सबसे पहले किसके पास गया था, वो काब बिन जुआइल के पास गया था, लेकिन उन्होंने इनकार किया क्योंकि चूंकि ये बंदा जो है कितना भी हो वो इस्लामिक बंदा था, तो कहते कि एक मुस्लिम कैसे मुस्लिम पर अटैक कर सकता है भाई, वो भी हसन के जो शायर रसूल है उनके बेटे पर हम कैसे उसको हजू करें उसकी, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूँ, वो है कि तुम एक बहुत आला मियाँ के शायर है वो है कि अख्तल, उनके पास जाओ और जाके उनसे कहो तो वो जरूर तुम्हारा काम कर देगा। तो ये रास्ता बताने वाला आदमी जुएल ने बताया काब बिन जुएल, और वो उधर गए और जाने के बाद जब अख्तल से कहा गया तो अख्तल को भी ना जान का दौरा पड़ा था, जान का दौरा था, डर तो हर एक में होता है, क्योंकि उस जमाने में ये होता था कि कत्ल के लिए कभी सोचते नहीं थे, अगर वो आपके खिलाफ है ये शरीयत के खिलाफ है, उस वक्त जमाना ही ऐसा था हजरत अली के कत्ल के बाद ऐसा बन गया था माहौल, तो एक दूसरे के जान के पीछे पड़ जाते थे कि बातों बातों में। उनको मालूम था कि हसन के लड़के के सिलसिले में वो भी अंसार के सिलसिले में अगर शेर कहें खिलाफ तो हमको तो कत्ल होना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तो मार ही देगा। तो उनके फिर जिम्मेवारी उन्होंने ली बाजाबता यजीद ने कि अगर कोई ऐसे वाकया होता है तो मैं तुम्हें जमानत देता हूँ। और उस जमाने में आपको मशहूर होगा कि अगर कोई किसी ने जमानत दे दी तो वो आप उससे कत्ल नहीं कर सकते, वो उसकी जिम्मेदारी है बचाओ और रखाओ की। तो उन्होंने ये चीजें हुई, फिर बाद में ये हुआ कि उन्होंने ये अशार कहे, फिर उसके बाद लोग भड़क गए, फिर गए ये मामला अम्र बिन आस लेके गए थे ना मुआविया के पास, न कौन वो साहबी थे या कौन वो बंदा था मालूम होगा किसी को,
जो हजरत मुआविया के पास लेके आसी गए थे शिकायत लेकिन की। हाँ, लेके गए थे तो उन्होंने बोला कि क्या चाहिए तुम्हें, जो उनका जान चाहिए उनकी जुबान हम काट उसकी देंगे। जबान काट दीजिए, मतलब किया हाँ था। काट दीजिए। हाँ तो फिर उन्होंने फिर उनके बेटे ने जब उनको ऑर्डर दिया तो इसी में उनके बेटे जब सुना तो उनके पास गए कि मौलवी साहब मैं तो इसको जमानत दे चुका हूँ, आप इससे मना करें। तो फिर या मुआविया जो है फिर अपने बेटे की तरफदारी की, चूंकि थोड़ी असबियत पसंद होती है तो आपने बेटे की उन्होंने बात सुनी और फिर मना किया उस चीज से। फिर उसके बाद वो तो उमावी के जो एक जुबानी शायर कह सकते हैं आप उसको, कि हर चीज उमावी की तारीफ करने लगे अपने मदे में और ये चीजें आगे चलती गई। तो उसी के पेशे मंजर में उन्होंने ये अशआर कहा था, यानी अख्तर ने ये अशआर कहा था अंसार के हजूर। यह तो पहले शायद बात हो चुकी होगी, अब फरजदक के सिलसिले में, अख्तल के सिलसिले में, जरीर के सिलसिले में, कोई अगर कुछ बताए इसके सिलसिले में, इन लोगों की जिंदगी के सिलसिले में हल्का थोड़ा। हेलो, जी, आवाज आ रही है? जी हाँ आवाज आ रही है। जी आ रही है तो। जी अख्तल जो है 19 हिजरी में पैदा हुए थे, और जो 95 हिजरी या कहीं कहीं मिलते हैं कि 92 हिजरी में इनका वफात हुआ था। 95 और 92, ये दोनों ही आप लिख रहे कोई भी आ सकता है, पता नहीं। 92 भी मिलता है, 95 भी मिलता है इनके वफात के बारे में। और कहा जाता है कि अख्तल जो है जजीरा फुरातिया में ही नशा हुए थे, और जजीरा फुरातिया में दोनों शायर नशा हुए थे, वो एक थे आमर बिन कुलसुम और दूसरा थे अख्तल। तो अख्तल का मुकम्मल नाम है अबू मालिक गियास बिन गौस अत तगलीबी, जो ये जो है तगलीब कबीला से ताल्लुक रखते थे, और अख्तल जो है नसरानी थे, और ये नसरानिया ही थे। और ये भी पूछ चुका है, दिगर सवालों में आ चुका है कि अख्तल का मजहब क्या था, तो ये नसरानिया था। तो हिजा का जो कहानी है वो तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया। और अख्तल के बारे में ये भी बोला जाता है कि अख्तल जब अब्दुल मलिक बिन मरवान के बलद में दाखिल दाखिल करते थे, तब तब अख्तल जो कि शराब पीते पीते ही दाखिल करते थे, शराब जो टपक टपक के पड़ता था उससे, और उससे ऐसा बोला जाता है अख्तल के बारे में कि في عنقه صليب ذهب ولحيته تنفذ حمرا فيدخل عليه بغير إذن। वो भी जो है जब आते थे तब क्या उनसे उनसे परमिशन भी नहीं लेते थे, बिना परमिशन के ही आ जाते थे उनके बालात में, इसके अब्दुल मलिक बिन मरवान के। और अख्तल के बारे में बोला जाता है कि अख्तल के बारे में जरीर ने जो बोला था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शायद आ भी चुका है क्वेश्चन में, जो था वो अदरक धू वाले नाबन वाहे दौले अदरक धू वाले नाबा ने लिया कुलन। इसका मुराद ये है कि जरीर बोलना चाहता है कि जब मैं अख्तल को पाया तब वो अख्तल बूढ़ा हो गया था, अगर अख्तल को मैं जबानी में पाता तो अख्तल से बहुत कुछ लेता, इन मतलब शेर शायरी बहुत कुछ ले पाता था अगर उसको मैं उनको मैं क्या जबानी में पेता तो पाता तो वो बुरा हो चुका था। इसलिए जरीर ने ऐसा बोला था, जरीर ने अपने बेटा को ऐसा बोला था। और अख्तल के बारे में यह भी बोला जाता है कि अख्तल कभी कभी दामश्क में रहता था और कभी कभी जजीरा में। ये सब हसन जैद का डेटा है। और जो ये क्वेश्चन जो आया है, इस क्वेश्चन में जो लाइन है ज़हबत सुरेशिन बिल मफ़ाखिर कुल्लुहा मुत्तहदा अनाइम अल अंसार, ये जो शेर आया है, तो इस शेर का पूरा ही हम लोगों को याद कर लेना चाहिए। ये जो अंसर के हिजू में कहा था जरीन अख्तल ने, तो अख्तल का ये इसका पहला लाइन था कि वाइजा नसर था इब्न फरी आयत अखल तो कल जहशी बाई ने हिमारती व हिमार। ये जो और इसका जो लास्ट वाला लाइन है यही क्वेश्चन में आया था, और इसके लास्ट वाले का जो पहला वाला लाइन है, लास्ट वाले का आगे वाला लाइन भी हम लोगों को पूरा ही याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये लाइन आया है तो क्या पता अगले अगले बार इससे इसके पहले लाइन से उठा दे, यही ये भी हो सकता है ना। इसलिए इसका पहले वाला लाइन है कि वाइजा नसब से इब्न फरी आय तखलतहु कल जहशी बैना हिमारती व हिमार, और जो लास्ट वाला उसके आगे वाला लाइन है कि खलुल मकारिम लस्तुम मिन अहलिया व खुजू मसाहिकुम बन निजार। तो ये पूरा ही याद कर लेना चाहिए। हसन जैद में जितना भी शेर है वो सबका पहला लाइन और उसके साथ लास्ट वाला लाइन हम लोगों को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कब कौन सा आ सकता है।
और जो अख्तल के बारे में ये भी बोला जाता है कि अख्तल तो सबको पता है कि अख्तल मदह में जो मशहूर हुए थे, और अख्तल के बारे में ये भी बहुत ज्यादा मशहूर कि ये नातुल खमर मतलब शराब के मदह ही बहुत ज्यादा करते थे, और अख्तल भी तनकीह करते थे। तनकीह में जो हमारा शायर आते हैं तो तनकीह में कौन कौन आते हैं? अख्तल आते हैं, अबू नवास आते हैं, जुहैर बिन अबी सुलमा आते हैं, और हुतैया, ये चार ही शायर हमारे तनकीह करते थे, मतलब तनकीह और तहजीब करते थे या उसको मॉडिफाई करते थे। जो भी शेर उन लोग लिखते थे तो मॉडिफाई करते थे। इनमें अख्तल भी है, अख्तल भी तनकी में बहुत ज्यादा तहजीब में मशहूर था। अख्तल के बारे में कहा जाता है कि अख्तल चार अबियत बोले थे यजीद बिन मुआविया के रिसा में बोले थे, रिसा यजीद बिन मुआविया के चार अबियत बोले थे यजीद बिन मुआविया के रिसा रिसा में बोले थे। और अख्तल के बारे में ये ज्यादा कि अख्तल खुद के ऊपर फखर भी करते थे, और अख्तल उससे ज्यादा किसी को भी बड़ा नहीं सोचते थे, मानते थे इल्ला आशा, आशा के अलावा किसी को भी उसके अलावा बड़ा नहीं मानते थे, लेकिन आशा को ही मानते थे, बस इतना ही। और अगर कोई कुछ ऐड करना चाहे तो कर दे। इनके और काब बिन जुएल के दरमियान एक हिजवीया वो हुआ था, मुनाजरा हुआ था, जिसमें अख्तल जो है गालिब आ गया था। और इनके बारे में ये भी आता है, वला यजीदुन नज़्मा इल्ला इदा शरीबा, यानी अच्छी नज़्म तब तक नहीं करते जब तक वो शराब ना पी ले। और एक चीज और है, ये जी जी बोलिए। बोलिए बोलिए, मैं कह रहा हूँ ये एक बहुत बड़ा पॉइंट। जी जी बताइए। बिल्कुल। नहीं, वही जो आप बोल रहे थे मैं उसको तायिद कर रहा था। अच्छा। और इनका ये एक शेर बहुत ज्यादा मशहूर है, जिसमें अख्तल अख्तल को जो लकब दिया था जरीर ने, आप जब उन्हों के आपस में एक दूसरे के जब अटैक करते थे तो उनमें उन्होंने कहा था, यानी किसने कहा था, जरीर ने कहा था इससे अख्तल से, और उसको जल गबावा का लकब दिया था। हाँ, तो ये जल गबावा का जो लकब है ये आया था जरीर की तरफ से अख्तल के लिए। जल का बाबा हाँ, इट्स कॉल्ड। यानी या जल गबावा कहा था उस वक्त, या हर्फ मुनादा के साथ जुल गबावा आप कह सकते हैं, और जुल गबावा इनको इस तरह के। हाँ इनको बचपन में एक लकब मिला था, दोबल का। हाँ दोबल का लकब उनकी अम्मी ने लोगों ने दिया था, उनके सरकसी की और सल्तनत लिसान की वजह से, जुबान की शक्ति की वजह से ये जी जी चीजें और दिया दोबल का गया था। माना भी आ सकता है कि दोबल का माना हाँ, क्या है? दोबल के तो माने दोबल का कैसे कहते माना हैं? है खिमार है, गाधा जिसको नहीं, कहते हैं, टंकी, तो हाँ, खिमार है लेकिन दोबल का माना। दोबल के माने बहुत सारे लिखे हुए भी हैं, शायद जो पहले डिस्कशन हुआ था उसमें लिखवाए थे। अद्दोबल अल खंजीर, या उसके बच्चे को भी कहते हैं, हिमार को भी, और जीब व जीब अल आरिम। दोबल का माना आता है हिमारू सॉरी छोटा ना। हाँ, वो वलदुल हिमार और व जीब अल आरिम, या अद्दोबल खंजीर, या अवलद ही, यानी खिंजीर, या उसके बच्चे को बोल सकते हैं। मतलब माना ये आते हैं इनके, तो जोन से भी ऑप्शन में अगर इनमें से कोई एक आता है तो आप लगा सकते। मतलब अगर हिमार नहीं आता है ऑप्शन में और दूसरा आता है तो वो लगा दे, अगर हिमार है तो बेटर ही। और इन्होंने दमिश्क के अंदर भी जिंदगी गुजारी है ना अपनी। हेलो, आई एम ऑडिबल? हाँ, यस क्या कोई कंफर्म करेगा ये, इन्होंने दमिश्क के अंदर भी अपनी कुछ जिंदगी कुछ अरसा गुजारा है? जी, ये जजीरा फुराती और दमिश्क ये दोनों जगह ही गुजारा है इन्होंने, जो कि हसन सैयद में सराहतन बयान किया गया है, कान यईशु हीनन फी दमिश्क हीनन फी जजीरतिल फुरातिया, ऐसे करके है। ठीक, बिलादरी जजीरा, ठीक। और कई की एक पॉइंट ये, कद ज़हरा फी शिरी अलम नफ्सी व तशाकी फी अहद खिलाफत वलीद।
हेलो जी हाँ जी अब्दुल रकीब भाई, सुन रहे हैं नेक्स्ट या जो भी है फरसबख जरीर जमील बिन मामर, इनको इन सब पे गुफ्तगू करें, या तो कोई करना चाहे तो, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुख्य। अख्तल नाम भी हाँ, काबिल जमील जमील बिन मामर, क्योंकि इनकी जमील बिन मामर, इनका जो नाम है अबू आमर जमील बिन मामर, ये हिजाज यानी जो शिमाल हिजाज है वहाँ पे इनकी पैदाइश है वहाँ की, और इनकी जो माँ है यमन की है, इनकी माँ का ताल्लुक जुजामिया मिनल यमन, और उमवी शायर है बनू हिजाम, और शायरुल हुब अल आज़री से मशहूर हैं, शायरुल बदवी, शायरुल आफीफ, इन तीन नामों के साथ मशहूर हैं। और इन्होंने इन जब इनको वसनिया इसलिए कहा जाता है कि इनकी माशूका है, लेकिन इस वसनिया से पहले भी जो वसनिया की बहन थी, या शायद चाचा की लड़की कौन थी, हाँ बहन ही थी, उम्मे जसीर, पहले इनका ताल्लुक उनसे था लेकिन उसके बाद फिर वसनिया से हो गया था, और इन्हीं के नाम से ये मशहूर भी हुए हैं, जमील बिन जमील बतीना। जी और ये मरवान बिन हकम के साथ जो वाकया हुआ था इनका, उस वाकये के बाद ये यमन की तरफ गए थे, फिर शाम, और उसके बाद फिर मिस्र, और मिस्र के अंदर इनका इंतकाल हो गया था। अगर उस वाकये किसी को डिटेल पता हो तो बताएं, अभी अब्दुल रकीब भाई थे ना, वो बता रहे थे कुछ, हाँ, वो बहुत वो ज्यादा वहां से मशहूर बाहर है के ना थे ना। कि हाँ, वो जमील बिन मेवार और वो और एक शायर था, क्या उसका नाम है, एक साथ जो रहते थे, उमर बिन अबी रबिया, और गजल के जो मशहूर शायर हैं, ये दोनों हैं, उमर बिन अबी रबिया और जमील बिन अब्दुल्ला बिन मेवार, ये है ना। तो इसका हाँ, हुआ जमील बिन मामर, कि ये हाँ, जमील बिन मेवार, तो दरअसल उनका जो महबूबा था ना, तो वो उनके डायरेक्ट उन्होंने तस्बीह कर दिया था, और उस जमाने में था कि आप डायरेक्ट तस्बीह करें तो वो बुरा समझते थे उसके फैमिली, तो जब उन्होंने उनके फैमिली ने ना कर दिया, फिर उसको थेट दिया, तो उन्होंने कंप्लेन किया किसके पास, वो वली मदीना उस वक्त मरवान बिन हकम था मरवान शायद बिना ना, कमते। हाँ, तो उनके पास वो कंप्लेन लेके गए थे, शिकायत किया, फिर शिकायत की वजह से उन्होंने फिर उसे वादा किया, और उनको उन्हें ब्लड शेड यानी कत्ल करने की धमकी दी उसको, तो फिर वो ये हुआ कि वो वहां से भाग पड़े, हाँ, पहले मदीना, फिर शाम, फिर नहीं, उसके पहले बाद यमन गए, फिर वो शाम गए, और यमन, उसके बाद हाँ मिस्र यमन गए, गए फिर थे, फिर शाम गए थे, ये एक क्वेश्चंस मिस्र। में भी आया था जी, कि क्वेश्चन में आया वो था ये। हाँ अतरती हुआ, हाँ, कि यमन, यमन से फिर शाम, शाम से फिर लास्ट मिस्र, में मिस्र गए, और हाँ, वहीं वहीं पे मरे। उनकी, हाँ, ये भी एक क्वेश्चन में था कि क्वेश्चन में आया था वो कि कहाँ इंतकाल कहाँ पे हुआ। हुए, इंतकाल कहाँ हुआ, जी तो जी वो यमन में क्या कहते हैं, मिस्र में आखिर में जाके उनका देहांत हुआ। और इनको शायरुल बदवी, एकदम शायरुल आफीफ ये कहा जाता है, हाँ, शायरुल हुब्बुल आदो आज़री। शाकिल अरब, आदो इन शाकिल अरब भी कहा जाता है, इनका एक बहुत ज्यादा मशहूर शेर है ना महबूबा के सिलसिले में, यकुलूना जाहिदिया जमीलो बेगजवा वा युजहादिन गैरुहुन नौरीदू, लोग कहते हैं कि जिहाद कर ऐ जमील, जिहाद कर, लेकिन महबूबा के अलावा किससे मैं जिहाद करूं, तो ये बहुत ज्यादा मशहूर है उनका। और उनका ये हन्ना फाखरू में एक इबारत मैं देखा था, उसमें उन्होंने एक बहुत मशहूर इबारत है कि हुब्बुर रूह, उनके शेर की जो ये है फन है, उनके सिलसिले में कहा गया फनी तौर पर कि हुब्बुर रूह लिर रूह यदूमु मादामत रूह, यानी शार में जो है एक रूह की मोहब्बत रूह के लिए हमेशा बाकी रहती थी, यानी हुब्बुर्रूह रूहानी, लिर्रूह। हाँ, यदूमु मादामत रूह,
इस तरह का मैं पढ़ा था उसमें आपको, ये हना फाखुर में मिलेगा, हना फाखुरी में हाँ ये इबारत है। शमील बिन मामर के माँ का नाम है जुजामी। अच्छा जुजामी, वो यमन, यमन से ताल्लुक उनका। हाँ यमन से ताल्लुक रखते हैं जुजामी है। और उनका बाप नहीं, नहीं जुजामिया उनका माँ का नाम नहीं है, जुजामिया उसका कबीला का नाम है। जुजम कबीला से ताल्लुक रखते हैं उनकी अम्मी, इसलिए जुजामिया बोलते हैं। वो एक कबीला का नाम है। उनकी नाम क्या है उनका? इसका असल कबीला तो उजरा है ना। अरे भाई उजरा जो है ये जमील बिन मामर का कबीला है, उनके बाप का कबीला है जिनमें वो ताल्लुक है। उनका माँ का कबीला जुजामिया है। अच्छा अच्छा ठीक 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 और ये बसीना इनकी पिता की लड़की थी ना। मिस्र में अब्दुल अजीज बिन मरवान ने उसकी काफी ताजिम की थी। कौन कौन? अब्दुल अजीज बिन मरवान मिस्र के जो गवर्नर थे और उसी के पास रहना। अब्दुल अजीज बिन मरवान, अब्दुल अजीज बिन मरवान, ठीक है एक मिनट, ये भी पॉइंट अच्छा। इन्हें इसके अच्छा अब्दुल अजीज बिन मरवान, इन्हें मरवान के बेटे हैं। हाँ जी चलने का चलने रहा वो दूसरे। जी अवर शायरीन तकस्सुबा बिशारी, वो कौन सा शायर है जिसने शेर से कमाया था? ये आशा कैस के बारे में आता है ना कि वो शेर से कमाया करते थे अलग अलग दरबार में जाकर। जी वो असल में हमारे पास में नोट्स नहीं है आज। जी ये सिर्फ आशा नहीं, बहुत सारे शायर के बारे में आता है जिन्होंने शेर से कमाया था, बहुत सारे शायर आते हैं। किसी को याद है कौन कौन है? अगर जाहिलियत की बात करें तो आशा अकबर है और नाबिका भी कह सकते हैं जी, क्योंकि वो भी बिलाते शायर था ना, वो भी शायर भी बिलाते। हाँ नाबिका जुबियानी, तो वो नाबिका जुबियानी भी था। ठीक है, जितने भी दरबारी शायर थे उनका काम यही था। ये भी थे वो तरफा बिन अब्द भी वहां गए थे उन अपने मामू मुतलम्मिस के साथ, मुतलम्मिस के साथ दरबारी शायर शेर करने के लिए। और इसमें आशा के बारे में कुछ बता दे। नहीं है ये दसवीं मोहल्ला का जो है, दसवा मोहल्ला का अल मोहल्लकतुल उश्र, उसमें इसका नाम आता है। और ये कहिए आबिद बिन अबरस अल असदी, ये भी बिलाते शायर थे और ये भी इसी से कमाते थे शेर कहकर ही। इनके बिलाते हयारा जो है उनसे एक लंबे आरसे तक वहां तक वो रहे, उनके साथ रहे। ये शायद अल्लाह के नबी के नाम सुना था और सुनने के बाद वो इस्लाम कबूल करने के लिए आ ही रहे थे, लेकिन रास्ते में शायद इनके साथ कोई हादसा हुआ था ना, जब वो तो कोई दूसरे। हाँ यही अबू सुफियान, अबू सुफियान ने बोला कि अगर ये इस्लाम कबूल कर ले तो वो जंग का आग लगा देगा, आग लगा देगा जी। हाँ। उसके बाद 100 ऊंट उसको दिया और वो मदीना से वापस आ गए और जब अपने कबीला में पहुंचे तो ऊंट से गिरकर मर गए, इस तरह नकाल हो गया था। हाँ। जी हाँ ये वाकया है इनका। उसके बाद बी नंबर पे कौन है? अम्र बिन कुलसूम,
बताया अमर बिन कुलसुम तो ये शायद 400 कितना 450 और इनको आशा मेमून बिन कैसर इनको सन्नाजतुल अरब भी कहा जाता है सन्नाजतुल अरब क्योंकि इनके शेर की जो जौदत होती थी जो उम्दगी होती थी उनकी वजह से इसको सन्नाजतुल अरब कहा जाता है और मशहूर साहिबुल लामियात क्योंकि इनका जो वो है कसीदा है वो लामिया है तो ना वद्दा हरीर क्या हरीर तो इन रकब ऐसा कुछ है ना इनके जो मतलब है इनके कसीदे का हाँ वद्दा हरीर हरीर इन रकब मुर्तहल व हल ततीकु गदा अन अयहर रजुल इसका उनका मतलब लामिया है ना हाँ लामिया मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं सारे लेकिन मेरा नोट्स वो घर पे पड़ा हुआ है मैं बाहर आया हूं दो दिन के लिए और इसका मुकम्मल नाम अबू बसीर मैमून बिन कैस बिन जंदल जनरल था ना नहीं अबू बसीर मैमून बिन कैस बस और इसको आशा इसलिए कहा जाता था मैमून बिन कैस ठीक है कैस के बाप का नाम जनरल था जनरल अच्छा इनको आशा इसलिए कहा जाता है लिज़ौफ बसरी ही हाँ ज़ौफ बसरी हाँ और इसके गांव का नाम मनफूहा जी जी मनफूहा में पैदा इसमें हसन ज़ैद में एक इबारत है उसमें उसके आंखों के सिलसिले में हत्ता अब यद्दत आईनाहु मिनल किबर और उसमें अबू सुफियान का जो वही वाकया उसमें दिया था हसन ज़ैद में है कि लइन अता मुहम्मदन औ इत्तबाहु लयादर मन्ना अलैकुम नैरानुल अरब बिशिरिही فاجمعوا له 100 من الابل اور ان کے وہ جو ایک قول مشہور ہے جو اظہر العرب کسی نے اگر پڑھا ہو تو اس کے مقدمے میں شاید پڑھا تھا کہ امر القیس اذا راکبا اور اس کے سلسلے میں کیا تھا عاشا کے سلسلے میں اذا قریبا شاید والعشا اذا طریبا اس طرح کا تھا वो पूरा ऐसे है कि ये इदा रकीबा यानी इमरुल कैस इदा रकीबा जुहैर बिन अबी सलमा इदा रकीबा नाबिगा ज़ुबियान इदा रकीबा और आशा इदा तरीबा जी और इसके बारे में कहा जाता है कि वो शायर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदह में शेर पढ़े लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किए इस तरह भी एक सवाल आया था हाँ तो वो आशा ही है जी जी हाँ आशा ये थे कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदह में शेर कहे थे लेकिन इस्लाम कबूल नहीं कर पाए यही है आशा को शायरुल खमरियत भी बोलते हैं क्या बोला जोर से बोलो भाई क्या शायरुल खमरियत इसको ये भी कहा जाता है अख्तल अरबुनवास का इमाम कहा जाता है इसको इसको कहा जाता है इमामो अख्तल अबू नवास क्योंकि अख्तल अबू नवास ये भी यानी खमरियत के बारे में शेर पढ़ते थे इस आशा भी तो इसलिए इसको इमामुल अख्तल और अबू नवास कहा जाता है इस तरह के कोई इबारत पढ़ा मुझे लगता है अच्छा हम ये कह रहे थे अभी ये मीटिंग खत्म हो जाएगी एक आधे मिनट में